गुड मॉर्निंग गाइस गाइस, आज जो मेरे पास गाड़ी है ये है एमजी की एस्टर। एस्टर में मैनुअल मैनुअल है। आज हम करने जा रहे हैं इसका कस्टमर रिव्यू, और इसी में पहली वीडियो बनाई थी कि इसके जो मिरर हैं वो कैसे फोल्ड होते हैं। ये देखिए गाइस, मैनुअल है। थोड़ा दूर जाता हूँ। सुबह सुबह देखिए गाइस, क्या धूप निकली हुई है। मौसम बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर गाड़ी कर रखी है। चलो गाइस, अब मिलते हैं जिनकी ये गाड़ी है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर, आपको कितना टाइम हुआ गाड़ी लिए हुए? मेरे को गाड़ी लिए हुए अभी 3 महीने हुए हैं। ओके, कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, काफ़ी चल रही है। अब मैंने पहले क्रेटा की थी बुक, बट मेरे को लगा कि कुछ डिफरेंट चाहिए, है ना, क्योंकि ओके, सभी ओके, तो ओके। ले रहे हैं, रैंडम गाड़ी सभी ले रहे हैं। चलो सर, ये बैठ के बात करते हैं, मैं उधर आ जाता हूँ, आप बैठिए यहाँ पे। चलो गाइज, अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर, सर ही ड्राइव करेंगे, मैं साथ बैठता हूँ, पूछता हूँ इनसे कि सर कैसी परफॉर्मेंस है। सबसे पहले सर, ये मेरे को ये पूछना कि गाड़ी आपको कैसी लगी ये? गाड़ी एकदम फिट है, अच्छा है, बढ़िया चलती है, माइलेज भी अच्छी है। अब जैसे मैं चलाता हूँ डेली में, तो 17 की एवरेज, 17 प्लस तो मैं निकाल लेता हूँ बड़े आराम से। ओके, और इन सिटी मैक्सिमम 15 to 16 तो मैं आराम से निकाल ही लेता हूँ। अगर हाईवे बात करें तो 17 प्लस तो जाती है। ओके, आपने बताया जैसे आपने क्रेटा में भी टॉप मॉडल बुक करवाया था ना? हाँ जी, हाँ जी। वो क्रेटा में ऐसा था कि पहले तो मैंने सोचा था कि क्रेटा बुक करेंगे, बट फिर फ्रेंड्स और रिलेटिव सारे कह रहे कि एमजी अच्छी गाड़ी है। ओके, और कुछ न्यू लेकर आए हैं, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एस्टर पे जाया जाए। और ये अच्छी गाड़ी, काफ़ी स्पेशियस है क्रेटा के अकॉर्डिंग, और उनकी जो टाइम की बुकिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। मैंने आपको देखा कि आपके पास बलिनो भी थी अभी। हाँ, मैंने वो एक्चुअली 4 years पहले ली थी। okay. और आफ्टर दैट फिर बंदे का ऐसा होता है कि एक गाड़ी चला जाएगा, मन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चेंज कर लेते हैं, फिर जी, मैं जी, जी। क्रेटा के लिए जाना था, बट आफ्टर दैट मैंने देखा, न्यूज में पढ़ा, इंटरनेट पे सर्च किया कि एस्टर अच्छी गाड़ी है सबसे। ओके ओके, मेरे को जो लगा, बाकी का तो मेरे को पता नहीं। बट वैसे चलो सर, ये है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? परफॉर्मेंस अच्छी है सारे एग्जाम में। मोस्टली इसका जो सस्पेंशन है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे आप हमारे यहाँ अर्बन एरिया में रोड्स पे खड्डे बहुत ज़्यादा है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली अच्छी काफ़ी अच्छी है। ओके, तो आप टॉप पे क्यों गए? टॉप में मेरे को क्योंकि सारे फीचर चाहिए थे, क्योंकि कैसा मैं आउट ऑफ मार्केट जाता या फिर कहीं से वो लगवाता। ओके, तो कोई अच्छा नहीं, क्योंकि फायदा नहीं था। हाँ, वारंटी आपकी खत्म हो जाती है। ओके ओके ओके, हाँ, सस्पेंशन बड़ी अच्छी है सर, है ना? सस्पेंशन तो अच्छी है, काफी अच्छी। ओके ओके, और ये सर एक बात थी कि एमजी का आपका सर्विस जो करवाई थी अभी, एक ही दो चेकअप हो गए होंगे इसके, ना? तो आपकी वो कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा, क्योंकि अगर जैसे मैं आउट ऑफ टाइम जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो मैं घर पे नहीं हूँ, गाड़ी कोई और चला नहीं सकता, तो मैं उनको फोन करता, तो वो स्पेशली मेरे घर आते हैं और गाड़ी पिक करके सर्विस करके फिर वापस आ जाते हैं। ओके ओके, तो उनका जो स्टाफ है जी, वो जी, बहुत जी अच्छा है। ओके ओके, हाँ, मैंने भी सुना है कि एमजी की जो आफ्टर सर्विस है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, और सर गाड़ी चलने में कैसी, स्मूथ है ये गाड़ी? अच्छा, ये बात पूछनी कि आप इसके टॉप वाले एडास में क्यों नहीं गए? आपको मैनुअली चाहिए थी? हाँ, मेरे को मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए था, मेरे को फीचर ज्यादा अच्छे नहीं लगा वो। अच्छा 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 अच्छा, ये देखिए गाइस, हमारे हैप्पी कस्टमर हैं ये एमजी के। काफ़ी अच्छा इनका रिव्यू था कि इनको अच्छी गाड़ी है, और इन्होंने बताया कि सस्पेंशन काफ़ी अच्छी लगी। सर, कोई नेगेटिव पॉइंट गाड़ी का? नहीं, नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं है। मैंने सुना है कि इसका म्यूजिक थोड़ा कम है हेक्टर के अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, अभी तो चलो मैं आपको सुनाता, बट आपको कॉपीराइट इशू आ जाएगा, वरना मैं आपको सुना देता। ओके, बट काफ़ी अच्छा है, स्पेशली एमजी का जो म्यूजिक है वो सारी गाड़ी में अच्छा है। हेक्टर ले लो आप, और एमजी एस्टर ले लो, ग्रोस्टर ले लो। ओके, सब में अच्छा है म्यूजिक है। ओके 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 ओके, और वैसे तो लोगों को जो गाड़ी पसंद नहीं है उसके बारे में तो वैसे बोलते रहते हैं। ओके ओके, इन माय ओपिनियन दिस कार वाज द बेस्ट कार। ओके, वैल्यू फॉर मनी है। यस यस, कितने की पड़ी थी आपको? 16 के अराउंड पड़ी थी। आई थिंक 16 और 17 के बीच में पड़ गई थी मेरे को। ओके ओके ओके, कोई प्लान लिया होगा आपने साथ में। ठीक ठीक ठीक, देखा गाइस, होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, अभी राइड लेते हैं, राइड का मजा लेते हैं।